नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे आंखों की बड़ी से बड़ी समस्या। चाहे वो आपका मोतियाबिंद हो, आंखों में लाली रहती हो, दिखाई कम देता हो, चश्मा चढ़ाओ, किसी टाइप की कोई भी समस्या होगी आंखों की, उसका आपको एक पक्का इलाज बताएंगे, वो भी घरेलू इलाज, लहसुन से किस तरीके से आप इन सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहले जो भी मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा। दोस्तों, आप यहां पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्य बने। इस बटन को दबाकर आप हमारी सदस्यता जरूर ले लें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो आप हर हफ्ते देख पाए। दोस्तों, हम हर हफ्ते वीडियो डालते हैं, तो आप तभी देख पाएंगे जब आप हमारे सदस्य बन पाएंगे। तो दोस्तों, जरूर सदस्य बने। आज हम बात कर रहे हैं आंखों की समस्या की। आंखों में बहुत सारी समस्याएं होती है और उनका कारण होता है धूप में चलना, आंखें गड़ा कर लिखना, अधिक देर तक पढ़ते रहना, ठंडी हवा का प्रभाव, समय पर ना सोना, ज्यादा जागना, उल्टी को रोक लेना, नींद ना आना, आंखों में धूल धुआं लगना, प्रदूषित वातावरण में अधिक देर तक रहना। धूल मिट्टी जो आंखों में लगती है, काफी देर तक रहती है, उसकी वजह से काफी सारी नुकसान होते हैं। धूप में चलने के बाद अचानक आप घर आकर ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं, उससे भी आंखों में तरह तरीके के रोग लग जाते हैं और इसकी वजह से आंखों में सिर दर्द होता है, कांटों की तरह चुभन होती है, आंखें लाल पड़ जाती है, इनसे कीचड़ आने लगता है, सूजन भी आती है, आंखों में बार बार पानी आता है, दर्द होता है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। कुछ समय बाद चश्मा लग जाता है, दिखना कम हो जाता है। तो इन सबको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, इसके मैं कुछ आपको रामबाण नुस्खे बताऊंगा, जिनकी मदद से निश्चित तौर पर आप अपनी आंखों की कितनी ही गंभीर बड़ी समस्या हो उसको ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो नुस्खा है, इसको आप चाहे तो नोट कर ले। नीम के पत्तों को आपको उबालना है थोड़े से पानी में, उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल के आंखों को धोना है। इसको अगर आप 2-3 बार रोज प्रयोग करते हैं, तो ये जो आपकी इन्फेक्शन वगैरह की समस्या है या जो प्रदूषण की वजह से आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा सफेद प्याज के रस में उसकी डबल मात्रा में शहद मिलाएं और रोज आंखों में डालें। यदि इससे आपकी आंखों में जलन होती है, तो आप उतनी ही मात्रा में गुलाब जल भी मिला सकते हैं। उसके बाद आप आंखों में डालेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की जलन नहीं होगी और ये आंखों के लिए बहुत ही रामबाण नुस्खा है। इसका यदि आप बराबर उपयोग करते रहते हैं, तो कभी भी नजर की समस्या आपको नहीं जाएगी, आपकी आंखें बुढ़ापे तक आपका साथ देगी। इसके सिवा एक और मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। नीम और बबूल के पत्तों का यदि आप काढ़ा बनाते हैं और काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा सा शहद डालकर अपनी आंखों में लगाते हैं, तो ये भी किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए बहुत ही नायाब नुस्खा है, लेकिन इसका भी आपको रेगुलर यूज करना पड़ेगा। इसके सिवा एक बहुत ज्यादा खास और घरेलू लेकिन बहुत ज्यादा आसान नुस्खा आपको बताना चाहूंगा। इसको आप आंखों की बड़ी से बड़ी समस्या में उपयोग कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा लहसुन की 4 कलियां, इनको आपको पानी में भिगो देना है। रात को सोने से पहले इनको आपको भिगोना है पानी में, पूरी रात इनको भिगो कर रखना है पानी में। सुबह लगभग आधा कप पानी ले लें, आप इससे ज्यादा ना लें, उसमें आप 4 कली लहसुन की भिगो दें। सुबह जब फ्रेश हो जाते हैं आप या जब पानी पीते हैं सभी लोग सुबह उठकर, उसके पहले आपको इन 4 कलियों को चबा चबा कर खाना है और जिस पानी में आपने गलाया था, इनको भिगोया था, उस पानी को चबाने के बाद, अंदर लेने के बाद उस पानी को ऊपर से पी जाना है। इसका प्रयोग करने के लगभग आधे 1 घंटे बाद में आप पानी पी सकते हैं या कुछ भी खा सकते हैं। इसका यदि आप रेगुलर स्थायी तौर पर प्रयोग करते हैं, तो मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्या भी ये 2 महीने के अंदर अंदर पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देगा। लहसुन का ये प्रयोग बहुत आसान है, घरेलू है और बहुत ज्यादा कारगर है। तो यदि आप आंखों की समस्या से ग्रसित हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है, नजर की समस्या है या चश्मा भी चढ़ा हुआ है, सालों पुराना चश्मा भी इस नुस्खे से उतर जाएगा। इसके साथ में बस इतना ध्यान रखें, खाना हल्का खाएं, पौष्टिक खाएं और नियमित तौर पर व्यायाम जरूर करें, ताकि आपका पेट स्वस्थ रहे, कब्ज न होने पाए। तो दोस्तों, ये था आंखों की समस्या के लिए आज का हमारा वीडियो।
वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही इस नुस्खे को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा पाए, उनको भी फायदा मिल पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।